हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी यानी इंफोसिस लिमिटेड। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट के अंदर भी क्रैश हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली कुछ बड़े कंपनी जैसे कि विप्रो, इंफोसिस के अंदर भी काफ़ी हद तक गिरावट हुआ है। इंफोसिस अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 1750 ये लेवल ब्रेक करके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया, लगभग 1.5% गिरावट के साथ। तो साथ साथ दोस्तों, सारे व्यूअर्स को भी मैं बोलूँगा कि कल देखिए इंफोसिस की शेयर होल्डर के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, यस्टरडे के दिन TCS का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ, साथ में ₹22 का डिविडेंड भी दिया कंपनी ने। और कल दोस्तों यानी टुमारो 13th को यहाँ पे कंपनी यानी इंफोसिस का भी क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा। सारे व्यूअर्स को यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कल मोस्ट प्रॉबली जो इंफोसिस का रिजल्ट आउट होगा मार्केट ठीक क्लोज हो जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास इवनिंग में, तो जब भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो कल की डेट का इस चैनल यानी स्टॉक मार्केट इंडिया का सबसे पहला वीडियो रहेगा इंफोसिस लिमिटेड के ऊपर। तो हो सकता है कि कल इंफोसिस की शेयर के अंदर थोड़ा बहुत हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट भी होगा। उसके बाद तो मार्केट बंद रहेगा लगभग 4 दिन, जो कि मार्केट हॉलीडे भी है, तो इसके कारण दोस्तों कल थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। अगर हम बात करें इंफोसिस के अंदर, जो कि मेरा प्रीवियस बाइंग लेवल था, इसके पहले याद होगा आपको 1680 से लेकर 1700 रुपये का लेवल, इस लेवल पर कहीं ना कहीं फिर से पहुँच चुका है। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे इस लेवल पे आने पे बाई करना। ऊपर की तरफ अगर शेयर के अंदर तेज़ी होता है तो उस केस में आप 1800 रुपये के ऊपर जब पहले जैसा स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। आप अगर ऑलरेडी बाई कर लिया तो यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेफ एंड स्टेबल कंपनी है, आराम से यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक मोनोपोली कंपनी यानी IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज की डेट पे शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, बल्कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला शेयर के अंदर। कभी कभी नीचे की तरफ जा रहा था, कभी पॉजिटिव में जा रहा था। लास्ट 5 दिन की बात करें थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला। ऊपर की तरफ शेयर काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया था, करीबन 250 रुपये के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिला। एक्चुअली ये जो लेवल है 250 रुपये का लेवल, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एक टाइम पर जब शेयर 250 रुपये के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा था, उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट हुआ एंड उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया, तो शेयर और नीचे आया। उसके बाद जैसे रिकवर करना स्टार्ट किया, उसका जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर अभी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। तो खैर, ये सब डिस्कशन थोड़ी बात करते हैं, सबसे पहले जो न्यूज़ आया यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो ब्रोकरेज कंपनीज IIFL डायरेक्टर एक्सपेक्टेड IEX के अंदर जो टारगेट प्राइस दिया है करीबन 242 से 245। तो देखा जाए दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, अराउंड 5% ही अपसाइड टारगेट दिया, और स्टॉप लॉस रखने की जो रिकमेंड किया 227 रुपये पे। आज की डेट पे अगर हम बात करें शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है 235 रुपये, तो थोड़ा बहुत हमें शेयर के अंदर भी आज हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। तो बट भी सही है कि IEX की शेयर के अंदर अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ टाइम से शेयर का जो सपोर्ट लेवल था वो 225 रुपये के आसपास है, जिस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के लिए रेकमेंड किया इस लेवल पे। तो मैं आपको बोलूँगा, देखिए, आपका अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से यहाँ पे होल्ड कीजिए। कोई भी लेवल पे अगर आपने बाई किया होल्ड कीजिए, और बाई करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ जो लेवल से बाई करने का, जब 250 रुपये के ऊपर स्टेबल हो जाएगा शेयर उस टाइम पे, और नीचे की तरफ 220 से 225 के आसपास यहाँ पे आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। तो दोस्तों, हमारे इस पे नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजी, जो कि आईटी सेक्टर का एक बहुत ही शानदार कंपनी, जो कि लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी हद तक शेयर चल चुका था, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। अब देख सकते हो, जहाँ पे 6 महीने के अंदर बड़े बड़े शेयर का जो शेयर काफ़ी हद तक गिर चुका था, तो KPIT ने करीबन जो कि 67% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया। बट अनफॉर्चुनेटली, जो कि लास्ट 3 महीने से अगर हम बात करें तो शेयर के अंदर थोड़ा बहुत हमें फ्लैट मूवमेंट या थोड़ा करेक्शन के साथ साथ थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी हमें देखने को मिला। कुछ दिन पहले शेयर के अंदर काफ़ी रिकवरी हुआ था, शेयर आप देख सकते हो 1 महीने पे ऑलमोस्ट 600 रुपये का लेवल क्रॉस करके ऑलमोस्ट 620-625 तक पहुँच गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें अभी करेक्शन देखने को मिला। स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट डे जैसे हमने देखा था TCS का रिजल्ट आउट हुआ था, तो TCS का रिजल्ट ठीक ठाक था। तो अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अभी हो सकता है कि छोटे बड़े कंपनीज, जितने भी कंपनीज IT का, थोड़ा बहुत मार्जिन के इशू हो सकता है, अदरवाइज
परफॉर्मेंस अगर हम बात करें कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट तो कोई भी मतलब कहीं से भी ख़राब नहीं था, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट तो लगभग रेवेन्यू के अंदर की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें या अर्निंग पर शेयर की बात करें, हर एक सेगमेंट पे कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब देखता ही है कि इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि अभी तो कोई डेट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम बात करें केपीआईटी के अंदर क्या आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, तो सबसे पहली बात दोस्तों आपके पास अगर शेयर है कोई भी यहाँ पे स्टेज पे आपने बाई किया, होल्ड कीजिए, ये लॉस में सेल करने वाला शेयर नहीं है सबसे पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही कंपनी है, आज की डेट में कंपनी कुछ भी नहीं है, इसका जो वैल्यूएशन और ऊपर जाएगा, इसको खींच के ले जाएगा। और थोड़ा मार्केट को भी स्टेबल होने दीजिए, मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है क्योंकि हर एक बड़े छोटे कंपनीज का रिजल्ट आउट हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है आज की डेट में, स्पेशली इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर वॉर की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, आराम से इसके अंदर भी आपको रिकवरी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री, स्टार्ट करेंगे वीडियो, बट उसके पहले वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा, समझ आया आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम बात करें आज की डेट पर, रिलायंस की शेयर भी काफ़ी हद तक गिरा, ऑलमोस्ट 2% के आसपास शेयर के अंदर गिरावट हो चुका है, जो कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रिलायंस की शेयर काफ़ी हद तक रिकवर किया था, ऑलमोस्ट 2600 रुपये के ऊपर चला सिर्फ नहीं गया था, करीबन उसका जो ऑल टाइम हाई था 2700 के ऊपर उसके करीब करीब पहुंच गया था, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो शेयर 2672 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि शेयर दोस्तों काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका था। अगर हम बात करें वॉर के टाइम पे जो लो लगाया था ऑलमोस्ट देखिए 2235 रुपये तक, वहाँ से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जैसे इतना बड़ा कंपनी का शेयर अगर 20% रिकवर किया, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक रिकवर किया, क्योंकि देखिए 20% का अगर हम बात करें मार्केट कैप, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना भारी भरकम वेट हो जाता है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, इस वजह से रिकवर किया। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को फिलहाल मिल रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो उसके साथ साथ देखिए आज की डेट पे ये न्यूज़ आया, जो कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन आया है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 2685 रुपये पे, तो काफ़ी शानदार ये यहाँ पे जो टारगेट दिया। उसके साथ साथ रिलायंस एग्रेसिव न्यू एनर्जी रोल आउट टू प्रोवाइड ग्रोथ लेवर से एडेलविज सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो लगातार हमें देखा कि पावर सेक्टर के ऊपर, स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन फ्यूचर में दोस्तों रिलायंस के अंदर काफ़ी ग्रोथ होने का चांस है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि अदानी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर के ऊपर बेस करके कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है, मतलब गौतम अदानी जी की अभी वेल्थ कहां से कहां पहुंच गया। उसके साथ साथ टाटा पावर भी देखिए लगातार रफ्तार पकड़ के दौड़ रहा है, तो इस सब कुछ देखने के बाद दोस्तों ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से ये सब बयान आया, तो मैं वही आपको बोलूँगा कि डेफिनेटली इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2500 रुपये के आसपास, काफ़ी स्टेबल भी नज़र आ रहा है शेयर, तो यहाँ इस लेवल के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर। आज की डेट पे शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि लास्ट टाइम पे भी मैं आपको कहा था कि टाटा पावर ऐसे ही भाग नहीं सकता, थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने का चांस है। और इसके अंदर जो बाइंग लेवल मैं आपको दिया था 260 रुपये का लेवल, जो कि इसका प्रीवियस हाई था, आज की डेट पे उसी लेवल का सपोर्ट मिलने का चांस है। फिलहाल शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट हो चुका है, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इस शेयर लगातार जब रिकवर कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना सही है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मार्केट का एक मार्केट लीडर कंपनी है, मतलब अपने सेक्टर का, उसके बावजूद भी शेयर के अंदर मतलब कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा डेट है, मतलब कर्जा है। तो देखिए टाटा पावर्स प्लान टू रिड्यूस डेट थ्रू इनविट गेट्स डिलेट, तो बेसिकली INVIT यानी इनविट का फुल फॉर्म क्या है और उसके साथ साथ किस प्रोसेस से, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए टाटा पावर प्लान टू रिड्यूस डेट बाई हैविंग ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इन टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं इनविट, हैज़ मिस्ड द मार्च एंड डेडलाइन। तो बेसिकली यहाँ पे मिस्ड किया, उसके साथ साथ आज की डेट पर अगर हम बात करें जो टाटा पावर के अंदर ग्रॉस डेट है करीबन 25,000 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा खासा डेट है। और टाटा ग्रुप का जो चेयरमैन एन चंद्रशेखर जी, इन्होंने यहाँ पे बताया भी था एक टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है कि इसको डेट फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, साथ साथ अगर हम बात करें जो डेट रिड्यूस के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से प्लान करते हो। इस प्रोसेस के थ्रू दोस्तों यहाँ पे कंपनी को धीरे धीरे डेट रिड्यूस करते करते जीरो डेट करने का प्लान किया, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। कोई भी कंपनी अगर कर्जा मुक्त हो गया, पूरा डेट फ्री होगा, तो शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम बात करें टाटा पावर का, तो इसके नीचे की तरफ जो बाइंग लेवल रहेगा आपके लिए 260 रुपये का लेवल, जो कि इसका प्रीवियस हाई था, आज की डेट में इस लेवल पे सपोर्ट होगा। ऊपर की तरफ जब शेयर 300 रुपये के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, तो उस लेवल पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, और आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे होल्ड कीजिए। तो वीडियो का यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।